हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएस एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कि है सॉर्ट एंड फिल्टर। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है और इसका टाइप जो है वो क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली सीखेंगे कि सॉर्ट और फिल्टर क्या होता है। बहुत ही यूजेबल फीचर्स है एमएस एक्सेल में, बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये जो फीचर्स है हम लोगों को एम एस एक्सेल में यूज़ करना होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो ये सॉर्ट एंड फिल्टर वाला फीचर्स है एम एस एक्सेल का ये पूरा पता चल जाए। तो सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए आप कोई भी टाइप का डेटा को यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप अल्फाबेटिकल डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ में मैं न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक्सेल शीट हो गया, तो ये एक्सेल शीट में मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ। सपोज मान लीजिए कोई भी रैंडम ऑर्डर में कुछ भी नंबर मेरे यहाँ में लिख देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में 10 नंबर यहाँ में लिख लिया है, 10 नंबर मैंने यहाँ में पुट कर दिया जो कि रैंडम ऑर्डर में मैंने यहाँ में लिखा है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो रैंडम ऑर्डर में मैंने नंबर को लिखा है इसको सॉर्ट करना है। दो तरीके से सॉर्ट करना है, आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले तो हम लोगों को क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको होम टैब का अंडर में एकदम लास्ट में एक ग्रुप मिलता है, एडिटिंग ग्रुप। इस एडिटिंग ग्रुप का जो फीचर्स है सॉर्ट एंड फिल्टर, जो एक बटन यहाँ में है, इस बटन में आपको क्लिक कर देना है। इस बटन में क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो पहला वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसमें क्लिक कर देने से आप देख सकते हैं ये जो मेरा सेल है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। तो ये जो पहला वाला सेल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो सेल है इसको हेडिंग बोल के कहा जाता है। अगर आपको इसको सॉर्ट करना है तो इसका ऊपर में आप और एक सेल बना के यहाँ में आप लिख दे, कोई भी एक चीज लिख दीजिए। सपोज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में लिख दिया नंबर। तो अभी इसको सिलेक्ट करके आप अगर यहाँ में सॉर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में जो मेरा नंबर है ये सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। तो वैसे इस नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर से यहाँ में क्लिक कर दीजिए, टू नंबर ऑप्शन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ में क्लिक कर दीजिए। आपको दिखाई देगा कि जो नंबर है ये आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ में सॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एमएस एक्सेल में जो सॉर्ट फीचर्स है, सॉर्ट फीचर को हम लोग इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब नंबर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं आइदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये हो गया सॉर्ट फीचर्स। सॉर्ट फीचर्स जो है उसका बाद में नेक्स्ट आता है फिल्टर। फिल्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो उसके लिए मैं ये जो नंबर है इसको डिलीट कर देता हूँ और इसका जगह में मैं दूसरा कुछ नंबर ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में कुछ मार्क्स लिख लिया है और वो मार्क्स का रेस्पेक्टिव मैंने ग्रेड भी यहाँ में लिख दिया है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ में एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि होगा फिल्टर। तो फिल्टर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है आप देखिए, आपको जैसे फिल्टर करना है वैसे ही आप मान लीजिए ग्रेड का ऊपर में फिल्टर करना है तो ग्रेड में आप क्लिक कर दीजिए। ग्रेड में क्लिक करके आप इस बटन में जाके यहाँ में क्लिक करके आप फिल्टर में क्लिक कर दीजिए। फिल्टर में क्लिक करते ही आप यहाँ में देखेंगे यहाँ में जो है जो हेडिंग है, हेडिंग में आप देख सकते हैं दो एरो मार्क्स यहाँ में आ चुका है। आप देख सकते हैं ये जो एरो मार्क्स है यहाँ में आ चुका है। तो ये एरो मार्क्स ही फिल्टर का मेन होता है। तो इस फिल्टर ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए अभी मान लीजिए यहाँ में सब ग्रेड दिखाई दे रहा है, जितना भी ग्रेड है सब ग्रेड यहाँ में दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यहाँ में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स है और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट का जो ग्रेड है ग्रेड यहाँ में डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ में आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके मान लीजिए आपको खाली ए ग्रेड का स्टूडेंट को देखना है,
तो यहाँ में क्लिक करके आप सिलेक्ट ऑल को कैंसिल करके एक प्लस में क्लिक करके ओके कर देने से आपको खाली ए प्लस जो ग्रेड है वही ग्रेड का जो स्टूडेंट है वो मार्क्स से उसको दिखाई देगा। अगर आपको बी ग्रेड का देखना है, बी प्लस का देखना है, तो बी प्लस में क्लिक कर दीजिए। तो ब्लीज यहाँ में क्या होगा, आपका जो बी प्लस है बी प्लस का यहाँ में दिखाई देगा। तो एट द सेम टाइम अगर आपको ए प्लस और बी प्लस एक साथ में देखना है, मान लीजिए ए प्लस को भी देखना है साथ में बी प्लस को भी देखना है, तो दोनों को एक साथ में सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ में जो मेरा ग्रेड है यहाँ में ए प्लस और बी प्लस ग्रेड ही यहाँ में डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फिल्टर ऑप्शन है फिल्टर ऑप्शन को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा वहाँ में नंबर होगा, बहुत सारा ग्रेड होगा, वो ग्रेड में से हम लोग को कोई भी चीज़ को अगर रिफाइन करना है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ग्रेड को देखना है, मतलब ए ग्रेड का कितना स्टूडेंट आया है या तो ए प्लस ग्रेड का जो जो स्टूडेंट आया है वो सबका डिस्प्ले करना है, तो हम लोग उस कंडीशन में ये जो फिल्टर ऑप्शन है फिल्टर ऑप्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हो। इसका साथ में और एक ऑप्शन यहाँ में होता है जो कि है सॉर्ट कस्टम। सो सॉर्ट कस्टम में एक्चुअली क्या होता है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा लिखना पड़ेगा यहाँ में, डेटा लिखना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ में मैं नंबर लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ में नंबर लिख दिया है, तो यहाँ में 0 से लेके 1, 2, 5 नंबर मैं ले रहा हूँ, तो बाकी सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ में मान लीजिए मैंने यहाँ में सिलेक्ट कर दिया जो सेल कलर है उसको मैंने ले लिया रेड, सेकेंड वाला जो सेल का कलर है उसको मैंने ले लिया स्काई, थर्ड वाला को मैंने ले लिया सपोज ग्रीन, फोर्थ वाला को मैंने ले लिया पर्पल, और जो फिफ्थ वाला है उसको मैंने ले लिया येलो। तो ये जो मेरा सेल है सेल का मैंने क्या कर दिया, जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ में सेट कर दिया। तो अभी आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आप सॉर्ट एंड फिल्टर बटन में जाके यहाँ में आप ऑप्शन मिलेगा कस्टम सॉर्ट, इस बटन में जाने से आपको एक छोटा पॉप अप विंडो यहाँ में मिलेगा, तो यहाँ में आप अपना मर्जी से सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ में देख सकते हैं अभी हमें ऑप्शन लिखा है सॉर्ट ऑन, तो कौन सा चीज़ का ऊपर में डिपेंड करके आपको सॉर्ट करना है, तो यहाँ में अलग अलग ऑप्शन मिलेगा आपको, वैल्यूज मिलेगा, सेल कलर मिलेगा, फॉन्ट कलर मिलेगा और सेल आइकॉन मिलेगा। तो यहाँ में जो मेरा कलर सेट है वो सेल का कलर है, तो सेल का कलर का ऊपर बेस करके मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सेल का कलर में आप सिलेक्ट कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं जो मेरा सेल का कलर है वो सिलेक्ट हो चुका है। वो सिलेक्ट करते आप देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर, तो ऑर्डर में आपको यहाँ में दिखाई देगा कि कौन सा ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं यहाँ में जो जो कलर मैंने यहाँ में अप्लाई किया है हर एक कलर यहाँ में आ चुका है। तो मान लीजिए अभी मुझे क्या करना है, जो ग्रीन वाला ऑप्शन है इसको मुझे पहले चाहिए, आप देख सकते हैं ग्रीन को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है, मतलब आप यहाँ में और भी एक ऑप्शन है ऑन टॉप, मतलब ग्रीन वाला जो कलर है कहाँ में चाहिए, ऑन टॉप ऑन बॉटम, मतलब टॉप में चाहिए या बॉटम में चाहिए, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ में सॉर्ट करना है। तो मान लीजिए मुझे टॉप में चाहिए, तो मैंने ऑन टॉप को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला कलर है यहाँ में टॉप में चला गया। तो इस तरीके से भी हम लोग कोई भी वैल्यू को छोड़ के भी उसका जो कॉन्टेंट है उसका जो फॉर्मेटिंग है उसका ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो कॉन्टेक्स्ट है उसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन इन MS Excel। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक थम्सअप जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।